वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं ये करेंट अफेयर का सिनारियो। तो आप भी इसे अटेंड करें, डेली बेसिस का ये करेंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। और आपसे मैं बोलूंगा कि 30 जून का करेंट अफेयर जरूर देखें, उसमें टोटल जून के जितने महीने के करेंट अफेयर हैं उसका एक सिनारियो बनाकर आपको दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो 30 जून का करंट अफेयर जरूर देखें और शाम को 6 बजे, जी हाँ, अगर आप हमारा मॉक टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे तो जरूर जाएं वहां पे अटेंड करें। ये मॉक टेस्ट आपके आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को लेकर बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जा रही है और वहां पे क्वेश्चन सिनेरियो दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी बीपीएससी पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर हर वीडियो की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बीपीएससी की 66 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के करेंट अफेयर में आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद रखना होगा इन सभी चीज़ों को। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए करेंट अफेयर, एकदम से अगर पढ़ने बैठिएगा तो बहुत सारे पूरे साल का करेंट अफेयर बचा हुआ है पढ़ने को अभी तो, ठीक है। और कम से कम 2 साल का करेंट अफेयर तो आपको करके जाना ही होगा, ठीक है, 2 साल मिनिमम और 3 साल मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछता है, लेकिन वो जो पूछेगा वो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, तैयारी कैसी करनी है इसकी स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़िए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम। जी हाँ, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? जल्दी से आंसर करेंगे, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बिल्कुल उत्तर अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ए, त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा की राज्य सरकार ने प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल की एक योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या आएगा, उसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ साथ एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए कोविड-19 पेंडेमिक के चलते है ना, उन सभी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने को मना किया गया है। जी हाँ, हर एक राज्य ने अपनी अपनी एक रणनीति बताई है, उसमें बताया गया है कि ये 10 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उसको अभी स्कूल नहीं जाना है, तो इसके लिए रिगार्डिंग उनको डिजिटली यहाँ पे कुछ एजुकेशन दी जा सके, तो त्रिपुरा सरकार ने ऐसा ये पहल किया है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। इस योजना का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और आपको बता देना चाहते हैं कि इनके साथ साथ छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ साथ एसएमएस का या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये ना तो सिर्फ क्लास मतलब जो 10वीं उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ही, 10 साल के बच्चे उन्हीं के लिए, बल्कि आपके 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 12th क्लास तक के बच्चों को भी है इसमें चीजें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है स्टैटिक वाले पार्ट में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टैटिक जीके जो है ना वो साथ साथ पढ़ते रहना, अपने को कोई चीज छोड़ना नहीं है। तो त्रिपुरा राज्य की अगर बात करें तो अगरतला जो है दोस्तों इसकी राजधानी होती है, मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गवर्नर अभी रमेश बैस हैं, नोट कर सकते हैं। और त्रिपुरा लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्टैटिक पार्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, हाल ही में कौन उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो उत्तराखंड राज्य का क्रिकेट टीम भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको बताना है कि विच रिसेंटली हु बिकम द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। तो आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, नोट कर सकते हैं, वसीम जाफर इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, वसीम जाफर इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं वसीम जाफर और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। सवाल उठता है यहाँ पे उत्तराखंड से, तो कुछ स्टैटिक टॉपिक आपको याद रखने होंगे, जैसे कि राजधानी यहाँ की देहरादून है, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है भी बेबी रानी मौर्या,
नोट कर सकते हैं। ये तीन तो हमेशा आपको याद रखना होगा अगर आप किसी भी पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, ईएसआई हो या एएसआई हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, उसमें आपको ये स्टैटिक पार्ट तो जरूर याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो नेशनल पार्क है यहाँ पे दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद होना चाहिए ना उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हाल ही में यूको बैंक ने बीमा उत्पादन बेचने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया था? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, उसके बाद इसके ऊपर जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूको बैंक ने अपने बीमा यानी कि जो उनके जो इंश्योरेंस सेल्स के लिए यहाँ पे इन बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस और रिलेगर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के साथ, जी हाँ ऑल ऑफ द एबव, इन सब के साथ एक समझौता किया गया है, जी हाँ यूको बैंक ने किया है। सवाल यूको बैंक से आता है, तो इसकी स्थापना 1943 में की गई थी 6 जनवरी को, मुख्यालय इसका कोलकाता होता है, MD और CEO इसके हैं अतुल कुमार, नोट कर सकते हैं गोयल, ओके अतुल कुमार गोयल जो है इसके MD है। ठीक है, ये टॉपिक याद रखिएगा अभी इनके बारे में स्टैटिक का, और ये अभी का बताया मैंने यहाँ पे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द वर्चुअल इंडिया पवेलियन एट द कैनिस फिल्म मार्केट? दोस्तों हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2019 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो कान फिल्म फेस्टिवल होता है दोस्तों, बहुत फेमस है ना, तो कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, प्रकाश जावड़ेकर इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जी हाँ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ये आप नोट कर लेंगे। पहला स्टैटिक टॉपिक यहाँ से ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और खासकर BPSC में तो ऐसे मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश जावड़ेकर के कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी शुरुआत में हुई है, और ये ई उद्घाटन के दौरान किया गया, यानी कि इंटरनेट के जरिए डिजिटली किया गया इसका उद्घाटन, और मंत्री जी ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इसकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये एक बड़ी शुरुआत हो रही है फिल्म बाजार के लिए, और इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय फिल्म पवेलियन में 2 फिल्मों को स्क्रीनिंग भी की गई है, जिनमें की नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200, ये एक मराठी फिल्म है, और एक फिल्म हुई है दोस्तों हेलारो जो कि गुजराती फिल्म है। तो यहाँ से स्टैटिक क्या इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए पहला पॉइंट नोट करेंगे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है, और ये दोस्तों याद रखिए किसने किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा कि ये डिजिटली इसका उद्घाटन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, इस कान फिल्म फेस्टिवल का अपने आप में पहला ऐसा चीज होगा, कान फिल्म मार्केट 2020 का उद्घाटन किया गया है ऑनलाइन, ठीक है डिजिटली, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इनकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष का जो फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पेविलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, वो कौन कौन सी है ये ध्यान रखना है, तो माई घाट क्राइम नंबर 103/200 मराठी फिल्म है, और हेलारो जो कि गुजराती फिल्म है, ये टॉपिक याद रखने होंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक द पार्टनर विद द फिंच स्टार्टअप एफर्ट प्लान टू द लॉन्च स्वस्थ कार्ड? चलिए हाल ही में किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड, जी हाँ स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफर्ट प्लान के साथ साझेदारी की है? तो इनके साथ साझेदारी की गई है स्वस्थ कार्ड बनाने के लिए, जी हाँ लॉन्च किए गए हैं फिनटेक स्टार्टअप में, ठीक है फिनटेक स्टार्टअप एफर्ट प्लान टू लॉन्च द स्वस्थ कार्ड।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, यश बैंक ने ये शुरुआत किया है। दोस्तों सवाल जुड़ा हुआ है यश बैंक से, तो इसका स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखेंगे आप लोग। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर महाराष्ट्र से क्वेश्चन है यहाँ पे तो याद रखिएगा इसका कैपिटल तो मुंबई आपको बता दिया गया। इसके जो सीएम है यहाँ के, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे बने हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नर, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये है यहाँ के भगत सिंह कोशियार। कौन है? भगत सिंह कोशियारी, ठीक है, ये इनका नाम है दोस्तों, लिख सकते हैं आप लोग, ओके। और संस्थापक कौन है यस बैंक के? तो राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। एमडी एंड सीईओ हैं दोस्तों प्रशांत कुमार यहाँ के, ठीक है ना। और अध्यक्ष हैं सुनील मेहता, नोट कर सकते हैं, ओके। तो ये स्टैटिक पार्ट, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में मेजर जनरल रिटायर्ड हो चुके हैं लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया है, किस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था? रिसेंटली मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहन इट्स पास्ड अवे, विच ऑनर वाज इट अवार्डेड? याद रखेंगे दोस्तों, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इट्स ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, वह देश के सबसे बेहतरीन सैन्यबाजों में 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले और जीवित अधिकारियों में से एक थे। उन्होंने 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन भी दिया था। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कमीशन भी दिया गया है इनको, याद रखेंगे। इनको वीर चक्र भी मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। नाम याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हुआ, लक्ष्मण सिंह लेहल। और ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में जो बैंकिंग के छात्र तैयारी करते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है, या फिर जो छात्र यहाँ पे पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रिलिम्स में तो जरूर ऐसे टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर जो छात्र ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र भी इस वीडियो को देखे रहे और इन सभी स्टैटिक टॉपिक को भी कवर अप करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स ए राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो नाम से ही समझ में आता है कि उसमें वहां की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, क्योंकि ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है। जी हाँ, हर जगह अपने जो पूर्व नेताएं हैं जिनके निधन हो चुके हैं उनके नाम से भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो यहाँ पे ये क्यों पीछे रहेंगे, ये भी अपने नाम जो है इंदिरा रसोई योजना शुरुआत किया गया है राजस्थान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना का लक्ष्य क्या है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, और इस योजना पर राज्य सरकार का हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि मेंस की तैयारी यहाँ से हो सकती है, ठीक है, इस टॉपिक पे। राजस्थान की से जुड़े सवाल है, तो प्रिलिम्स के लिए कुछ स्टैटिक पार्ट यहाँ पे ध्यान रखते हैं आप लोग। राजधानी इसकी जयपुर होती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो दोस्तों देखिए, बेतला नेशनल पार्क तो झारखंड में है, ठीक है, ये इसको काट दीजिएगा, और ये भी आपका हजारीबाग जो है झारखंड में है, ये भी काट दीजिएगा, और ये भी आपका यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नेशनल पार्क नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे लग रहा है कहीं और से यहाँ से आ गया है, ठीक है, चलिए इसको काट दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये बेतला जो है आपका झारखंड का, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है और धीमा नेशनल पार्क भी आपका झारखंड में है, ठीक है, तो ये तीनों को छोड़ देंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस WWE के रेसलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाल ही में रिसेंटली विच WWE रेसलर हैज अनाउंस द रिटायरमेंट? तो अंडरटेकर। नाम याद रखिएगा, इट्स अ बी अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में एज स्टाइलस के साथ हुआ था। जी हाँ, रेसलमेनिया का मुकाबला हुआ था और अंडरटेकर द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय थे ये, और अब ये संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। और अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में लगातार 21वीं बार जीत हासिल की है, यहाँ पे आखिरी मैच ये भी ये जीते हैं अपना, और अब ये संन्यास ले चुके हैं, ओके। तो
और यहाँ पे देखिए द ग्रेट खली जो है ये भारत के ऐसे रेसलर हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और काफी मेडल भी जीते हैं भारत के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 9। रिसेंटली पूर्णिमा जलेन पास्ड अवे, हु वाज शी? हाल ही में पूर्णिमा जनेन जो है उनका निधन हो गया है, वो कौन थी? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ ए। जी हाँ, वो एक शूटर थी, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, निशानेबाज थी, नोट कर लीजिएगा। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच रह चुकी है पूर्णिमा जलेन का कैंसर के कारण यहाँ पे मृत्यु हुआ है। पूर्णिमा जलेन का नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, जी हाँ, राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इनके नाम है, ठीक है दोस्तों, नेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यहाँ से स्टैटिक टॉपिक रखता है इसका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जिनका निधन हुआ है वो है एक शूटर यानी कि निशानेबाज थी, और 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने नेशनल अवार्ड भी रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है, ठीक है, सॉरी रिकॉर्ड इट सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड द हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल चुका है? तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स जो है मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट ये क्या है दोस्तों? तो यह एक मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षात्मक परिधान है, और यह एक फिटिंग सूट है जो कि गर्दन से लेकर पैर तक सभी अंगों को पूरा तरह से कवर करता है। और LCHG सूट जो है अंतरिक्ष यात्रियों का द्वारा पहनाया जाता है, और इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, LCHG याद रखिएगा, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, जी हाँ, तो यहाँ पे बताना है कि किस संगठन ने इसको पेटेंट मिल गया है, किस संगठन से? तो इसरो से मिल गया है, आंसर बी कर लीजिएगा। और इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, ये फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछता है इसका, और ये ध्यान रखिएगा, भारत की स्पेस एजेंसी है ये इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है दोस्तों? तो बेंगलुरु होता है। देखिए स्टैटिक पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कर्नाटका बेंगलोर में है, चूंकि कर्नाटका की राजधानी भी बेंगलोर है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसका, और विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे, ठीक है, और अभी करंट में यहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ के सिवान, ओके। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से स्टैटिक वाले पार्ट में। एक सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछूंगा यहाँ पे कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड द हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ये दोनों के ही आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट करिएगा, और कल उनका नाम बताया जाएगा कि किसने उत्तर सही किए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, सॉरी शाम को 6 बजे, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, BPSC के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो शाम को 6 बजे का वीडियो जरूर देखेंगे। धन्यवाद।